हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सपने तो हर कोई देखता है, फिर क्यों सबके सपने पूरे नहीं होते? क्योंकि शायद हम आने वाली मुसीबतों के सामने बहुत जल्दी घुटने टेक देते हैं, और जो लोग इन मुसीबतों की जंजीरों से अपनी मेहनत और जिद से तोड़कर ऊंचा, बहुत ऊंचा लेकर जाते हैं, उन्हें ही हम सिकंदर कहते हैं। तो इसी के साथ हम आपका स्वागत करते हैं YouTube डांस शो कीप ऑन डांसिंग के दूसरे राउंड में, जहां पर हम आपके सामने ऐसे ही जिद्दी, जोशीले और टैलेंट से भरपूर 10 सिकंदर पेश करेंगे, जो हमेशा की तरह अपने डांस से आपका होश उड़ा देंगे। और एक जरूरी बात आपको बता दें कि इस राउंड के वोट्स और मार्क्स प्लस पिछले राउंड के वोट्स और मार्क्स का टोटल करके जिसका स्कोर सबसे कम रहेगा उस कंटेस्टेंट को एलिमिनेशन का सामना करना पड़ेगा। सो गाइस, पिछले राउंड के वोट्स एंड मार्क्स के हिसाब से इस राउंड में टॉप पर है दिव्यानी, फिर है एबिन, जॉल्डिन, सिमरन, मिताली, साक्षी, साइली, श्वेता, अनमोल, एल्सा एंड एग्नेस। और हाँ, इस राउंड में आपको बहुत सारे सरप्राइजेस भी मिलने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट द पावर ऑफ मैडनेस एंड टैलेंट बिगिन। तो चलिए शुरुआत करते हैं उनसे जिनके डांस से हिला दे पूरा केबिन। लेट्स वेलकम राउडी एबिन। சப்பா பீட்டு கொளுத்துக்கடா, ஆ மஜா பா மஜா பா, டா 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 டா, ஏ ரெடிடா வாடா, பாத்தி கம்மி ஓகே யா है। शो की शुरुआत हो तो ऐसी हो, फुल ऑन राउडी और धमाकेदार। जजेस, आपका क्या कहना है? He is back, Ebin. Like this is your forte, this is your genre, Tollywood, and the rowdy steps which you do is like your strength, and you did it till perfection this time. I liked it a lot. I liked your steps. I liked how you started little things, and when you walked inside that typical Rajni walk, a lot of elements were very good. Thoda hans liya kar yaar. The problem is like you're too much invested into steps that you don't smile, and you know like Tollywood has some ranty expressions in their performances. So I wanted you to smile a bit, and there was a little exertion. Granted, the song is like high on tempo, energetic steps. I wanted a little bit of your smile, and thoda sa thak gaye the aap beech mein. That's it. Apart from that, it was a very good performance, much better than the last one for me. And let's see what you do in the next performance. Ebin, aapka dance mujhe bahut pasand aaya. Aapne kuch naya try kiya hai is baar. Aur south ka touch diya hai, to I loved it. The music was awesome.
और हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आप जो राउंड वन में था वो मुझे नहीं, कुछ मिसिंग था, तो मुझे वो राउंड वन का जो था जोश वो नहीं दिखा इसमें, लेकिन आई लव योर परफॉर्मेंस। तो जजेस क्या मार्क्स देंगे आप एबिन को? फॉर योर स्कोर आई वुड लाइक टू गिव यू अ 9। एबिन, मैं आपको 10 में से 7 देती हूँ। चलो राउडी अन्ना, अपने राउडी पीपल से वोट अपील कीजिए। इस बार मैंने कुछ नया ट्राई किया है, तो अगर आपको मेरा डांस पसंद आता है तो कॉन्कॉक्शन एंटरटेनमेंट के इंस्टाग्राम पेज पे जाके मेरा वीडियो प्लीज लाइक करिए और मुझे सपोर्ट करिए, थैंक यू। जिनका डांस है अनमोल, जिनकी अदा है अनमोल, प्लीज वेलकम आर नेक्स्ट परफॉर्मर अनमोल। वाह, क्या बोला है मैंने। जजेस कैसा लगा आपको ये बंठन के किया हुआ परफॉर्मेंस? अनमोल, इस बार आपका डांस मुझे बहुत प्यारा लगा और मुझे ऐसा लगता है आपका फोटे ही बॉलीवुड और क्लासिकल है और आप उभर के आते हो उसमें, तो मुझे लगता है कि आप उसी में बहुत उसमें आपने परफेक्शन किया, तो आप जब वो करते हो तो आपके चेहरे में अलग सा एक ग्लो आता है और आप अलग अलग खुशी से नाचते हो, तो ट्राई कीजिए कि वही करें और नेक्स्ट टाइम आप स्टेप्स थोड़ा रिपीट कम करें, बिकॉज ऐसा लगता है कि स्टेप्स रिपीट हो रहा है। बाकी तो आई लव योर परफॉर्मेंस अनमोल। सो बैक टू बॉलीवुड एंड सेमी क्लासिकल परफॉर्मेंस फॉर विच यू आर नोन, एंड बैक टू योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ विच इज़ योर एक्सप्रेशंस, एंड दिस टाइम्स योर एक्सप्रेशंस वर लाइक इंडिविजुअल, दे वर अ सर्टन पार्ट्स, लाइक वेन पैरों में तेरी घुंघरू की बिजुरिया स्टार्टेड एंड यू यूज योर फेस एंड योर आइज अगेन टू एक्सप्रेस सर्टन पार्ट्स, इट वॉज सो सो गुड। आई रियली लाइक योर परफॉर्मेंस, आई लाइक योर स्टेप्स, बेसिक बट इफेक्टिव, आई लाइक योर बॉडी मूवमेंट। वन थिंग आई नोटिस टूडे दैट यू स्टैंड एट वन पोजिशन एंड यू डांस, लाइक देर इज नो मूवमेंट, यू डोंट यूज द स्पेस गिवन टू यू, so maybe you improve it in the next round, and yes, like semi classical, then going back, going to western and then coming back, this process has been quite good, but you need to improve your steps a bit more. Like it was very good in this one, I won't score you on your on this comment, but hum chahte hain ki hum next time Anmol ko aur khul ke dekhe। जजेस आप क्या मार्क्स देंगे अनमोल को? अनमोल, मैं आपको 10 में से 7 देती हूँ। For this, I'm gonna give you an 8। So अनमोल, अपने डांस के चहितों से वोट अपील कीजिए। Hey guys, to vote for me, kindly visit Concoction Entertainment on Instagram and like my video. Thank you. कहते हैं उसका डांस बोलता है उसकी वाणी, so let's welcome दिव्यानी। मराठ मोळ गाणं ही लाख मोलचं सोनं।
शी कैन डू ओनली क्लासिकल डिश टेक दैट कशी वाटली मराठमोळी पोरगी मराठमोळ्या गाण्यावर. व्हॉट डू आय से नाउ, लाईक युअर परफॉर्मन्स, युअर स्टेप्स अँड युअर एक्सप्रेशन अँड दॅट स्माईल थ्रू आउट द सॉन्ग, लाईक फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड देर वॉज अ स्माईल. ऐसी हलकी सी शिकन भी नहीं थी, देर वॉज नो काइंड ऑफ लाईक यू वर टायर्ड अँड इट वॉज अ लॉन्ग सॉन्ग अँड इट was awesome. Like your Ratrani sa Gajra and Bhakte Ainya, the expressions were like, oh god, I'm gonna melt. Like that is the one thing which people, like the dancers, have to show in Lavani. Like even in the auditions when Shweta did Lavani, I said, like, you have to emote not just with your body but with your face, and you did that with perfection. Like Devyani, you have killed it. Like what lovely, what, I just loved your performance. Devyani, aapka dance mujhe bahut acha laga, aapke expression seriously mujhe bahut pyare lage hain, aur aap mein grace to itna bhar bhar ke hai ki dekh ke hi mujhe itna ichha hota hai ki aap mein wo pleasant feeling aati hai aapki dance dekh ke mujhe. तो आप में मुझे कुछ वैसे तो कोई फॉल्ट नज़र नहीं आ रहा है, और मुझे अच्छा लगा कि आपने एक डिफरेंट स्टाइल इस बार ऑप्ट किया है. तो जजेस क्या मार्क्स देंगे आप दिव्यानी को? आई गिव यू अ परफेक्ट 10. दिव्यानी मैं आपको 10 में से 8 देती हूँ. दिव्यानी अपने मराठमोळ्या वाणीत वोट अपील करा. नमस्कार, अगर आपको मेरा डांस अच्छा लगा है तो इंस्टाग्राम पे कंकॉक्शन एंटरटेनमेंट में जाके मेरा वीडियो लाइक कीजिए. धन्यवाद. नाउ प्लीज वेलकम हमारे दो अनमोल रतन, एल्सा एंड एग्नेस.
आपके पिया के आने से तो आप में बाहर आ ही जाएंगी, देखते हैं आपका डांस बाहर ला पाया है या नहीं। एल्सा एंड एग्नेस, दिस टाइम यू हैव ट्राइड समथिंग न्यू बॉलीवुड एंड आई लव्ड इट दैट यू टुक समथिंग अ चेंज इन योर डांस, बट स्टिल आई थिंक द कोऑर्डिनेशन वॉज नॉट टुगेदर एंड एल्सा वॉज ऑल्दो लुकिंग इन बिटवीन टू द फ्लोर एंड आई थिंक दैट वॉज गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड एंड ओके द डांस वॉज गुड। एल्सा एंड एग्नेस वेलकम टू बॉलीवुड फाइनली आफ्टर टू परफॉर्मेंसेज ऑफ साउथ इंडिया, one from Malayalam, one from Tamil cinema. Finally, you have entered Bollywood and what an entry. Like, your steps were complex. You had smiles. You were dancing. You utilized your space. And Agnes, like, where were you these two rounds? I could see Agnes move. I could not take my eyes away from you this time because you were totally in sync with Elsa. Elsa, you're good, you know that. And even Agnes this time showed that she is not a kamzor kadi or something like that. She's not weak, she's as strong as you. But my problem with this was it was not a one-take performance. Like, have you not seen this show? Have you not seen round one? I have scored as per the takes. If you're not doing in one take, don't expect a good review from me, at least a good score. But your performance will be marginalized because of the takes. Other than that, it is a huge improvement from your round one performance. I could see coordination, the energy matched, the steps were good. So judges, aap kya marks denge Elsa and Agnes ko? Elsa and Agnes, I will give you a 6. For your score, I would like to give you a 7. So, Elsa and Agnes, please make a vote appeal for your audience. To vote for us, please visit Concoction Entertainment on Instagram and like our channel. Thank you. अब बुलाते हैं हमारे आइसक्रीम वाले भैया को. Please welcome Jordan. What? कैसा लगा गोविंदा और प्रभुदेवा का कॉम्बो परफॉर्मेंस? मिस्टर जॉर्डन, आई वाज सरप्राइज्ड विद दिस सडन चेंज. लाइक व्हेन जॉर्डन डांसेस, वी हैव दिस माइंडसेट, एक अंग्रेजी गाने पे अंग्रेजी स्टेप्स करेंगे भैया. बट दिस टाइम यू हैड टू आइकॉनिक बॉलीवुड सॉन्ग्स एंड इवन योर स्टेप्स वर टू बॉलीवुडिश. Like, not complaining, not at all complaining. I liked your steps and I liked that you listened.
I could see expressions, I could see your smile, I could see you talking with your eyes. I liked that you listened this time and you incorporated certain genres. I could see tatting, I saw voguing at the end, and your cartwheel today was like quite good. So overall, just when you started the second song, you went a little slow paced. थोड़े से आप स्लो हो गए थे उस प्रोसेस में, एंड योर स्टेप्स वेंट लिटिल बेसिक. लाइक आफ्टर बिना पायल के एंड योर स्टेप्स ऑन ऑल, आई वॉज लाइक ओके, लाइक दैट फ्लो गॉट ब्रोकन फॉर अ लिटिल वाइल. अदर देन दैट, इट वॉज अ वेरी 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 गुड परफॉर्मेंस. आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट मोर फ्रॉम यू इन द कमिंग राइड्स. दैट इज इफ यू मेक इट. जॉल्डन, आई लव्ड योर परफॉर्मेंस, और आपने जो बॉलीवुड लिया मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा, और मुझे कोई भी इसमें कमी नहीं लग रही है. आप बहुत ही सुपर डांसर हो. तो जजेस, क्या मार्क्स देंगे आप जॉल्डन को? जॉल्डन, आपका स्कोर फॉर दिस परफॉर्मेंस इज अ 9, और मैं आपको 10 में से 9 देती हूँ. जॉर्डन, आपके डांस के पावर को और पावरफुल बनाने के लिए प्लीज वोट अपील कीजिए. सो हेलो एवरीवन, जॉर्डन हियर. अगर आप लोगों को मेरा ये 90s का तड़का अच्छा लगे तो आप लोग मुझे सेव करने के लिए मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं. लाइक करने के लिए कॉन्कॉक्शन एंटरटेनमेंट के इंस्टा हैंडल में जाके आप मेरे वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं. थैंक यू. समय है उसे बुलाने का जिसका डांस देख ऑडियंस हो खाली वाली. प्लीज वेलकम मिताली. रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए. मिताली, आपका डांस मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ग्रेसफुल था, और कथक किया आपने, बहुत प्यारा लगा, सब कुछ बहुत अच्छा लगा मुझे. इवन आपने जो टर्न्स लिए वो भी बहुत ग्रेसफुल लिया था आपने, बहुत अच्छा था. लेकिन बस एक था कि आपके हैंड जो है वो बहुत
थोड़े रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जहाँ आपने बहुत स्ट्रिफ रखना चाहिए था वहाँ वो रिस्ट्रिक्ट होता है तो वो बहुत शैबी दिखता है। और मुद्राज आपके थोड़े से क्लियर कीजिए ताकि वो जो जिनको क्लासिकल डांस मालूम है वो बहुत गंदा दिखता है कि मुद्राज क्लियर नहीं हो तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम जब आप कथक करें तब मुद्राज पे आपका ध्यान रहना चाहिए ताकि वो गंदा ना दिखे। सेमी क्लासिकल मिताली an upbeat song and quite good steps, quite good expressions. I really like how you're improving and like you're consistent in your performance. There's minor improvements, but apart from that, you never needed much guidance in this because your expressions are good, your steps are good, your choice of song is good. This time around, I think your pirouettes were way too much. Like after every two steps, Mitali ghoom rahi thi. So I was like, first of all, I hope tumhe chakkar to nahi aaye, because like your pirouettes, your turns were like way too much in this performance. Like once or twice it is fine, but if it is incorporating half your steps is of going spinning and spinning, then I don't think it's a good thing for you. And you have mastered a lot of steps इन द परफॉर्मेंसेज बिफोर, तो ऐसा तो नहीं है कि मिताली को स्टेप्स नहीं पता या फिर स्टेप्स करना नहीं आता। मिताली को बहुत कुछ आता है, बट मिताली ने इस बार फोकस सिर्फ किया है ऑन द पिरुएट्स। आई होप आई गेट टू सी मोर स्टेप्स फ्रॉम यू। परफॉर्मेंस वाइज एक्सप्रेशन ऑन पा, एनर्जी ऑन पा, मुद्रा से नॉल आपको दूसरा जज तो बता ही देगा। सो यस, इट वॉज अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। तो जजेस आप क्या मार्क्स देंगे मिताली को? मिताली मैं आपको 10 में से 7 देती हूँ। मिताली आई वुड लाइक टू गिव यू एन 8। मिताली अभी अपनी ऑडियंस से ताली नहीं वोट बटोरने का समय आ चुका है, तो वोट अपील कीजिए। हाय गाइस, मैं हूँ मिताली और अगर आपको मेरा डांस अच्छा लगा तो प्लीज मुझे वोट कीजिए। मुझे वोट करने के लिए आपको जाना है कॉन्कॉशन एंटरटेनमेंट की इंस्टाग्राम पेज पर और मेरी डांस परफॉर्मेंस को लाइक करना। थैंक यू। एक से एक एनर्जेटिक परफॉर्मेंसेस के बाद समय है एक और एनर्जेटिक परफॉर्मर का। सो बुलाते हैं हमारी एनर्जेटिक गर्ल साक्षी। आसमां में जैसे बादल हो रहे हैं, हम धीरे 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 पागल हो रहे हैं। साक्षी, अ वेरी ब्यूटिफुल परफॉर्मेंस। आई लाइक टू एक्सप्रेशंस इन दिस वन, यू हैड वेरी गुड एक्सप्रेशंस। काफ़ी सारे जगह पे वर्ड्स और आपके स्टेप्स काफ़ी मैच हुए, लाइक
when there was the mehndi part, like then nachin baratu mein part, like your steps and your expressions were very good. Aapka face bahut khul ke aapke expressions aaye hai, but then your steps at the other parts were very basic. Like this is round 2, we have eliminations from the next round. We need to have some innovative steps. Like there has to be some kind of X factor in your performance. Some moves ki like ha, yeah, which can define you in every performance. Also, I thought some of your steps were very clumsy. Like the hook step which you did where you like pulled your own hair, that was not clear. There should have been a gap between your hand and your head. It was not clear. But other than that, your other steps which I said in the beginning, the lyrical steps where your steps were matching the words, were on point. And you have a very beautiful smile which you're utilizing into the max. Take note of what corrections we have given you. And I hope you do better than the next performance. साक्षी आपका डांस मुझे बहुत अच्छा लगा है. आपने फर्स्ट राउंड से बहुत इम्प्रूव किया गया है और आपने बॉलीवुड चूज़ किया, मुझे वो अच्छा लगा. और आपका स्माइल मुझे बहुत प्यारा लगता है. फर्स्ट राउंड से मैं आपको बोलती आई हूँ कि आपका स्माइल मुझे बहुत प्यारा लगता है, और जब वो आप डांस में यूज़ करते हो तो वो और ग्रेसफुल दिखता है. और जो आपने वो जो बेसिक स्टेप वो गाने का यूज़ किया वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा. तो जजेस क्या मार्क्स देंगे आप साक्षी को? साक्षी, आई वुड लाइक टू गिव यू अ 7 फॉर दिस परफॉर्मेंस. इन ऑल आई वुड लाइक टू गिव यू 10 में से 8. साक्षी, जैसे आपको आपके पिया की याद आने लगी, वैसे ही ऑडियंस आपको याद रखे, इसीलिए वोट अपील कीजिए. हाय गाइस, अगर आपको मेरा डांस अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे वोट कीजिए. और मुझे वोट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा इन द कॉन्कॉक्शन एंटरटेनमेंट के इंस्टाग्राम पेज पर, और वहां जाके मुझे लाइक कीजिए. थैंक यू. अपनी अदाओं से सबको मोहित करने वाली, प्लीज़ वेलकम आर नेक्स्ट परफॉर्मर सायली. अशी सुंदर साज सज फुल आली 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 या समाधि माळला गजरा लोहकच्या नजरा खेळले तिच्या वाद आली 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 दुनियाची प्यारी तू अगणारी हरणी ग अगणारी सुंदरा जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई. दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई. मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई. जो जग ने न मानी तो मैंने बिठानी, कहा कि मैं देखो कहाँ चली आई. कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई. दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो.
मस्ताने के लिए तो हर कोई बाजीराव बन जाएगा। चलते हैं जजेस से, पूछते हैं उन्हें कि कैसा लगा आपका परफॉर्मेंस। साइली, आपका डांस मुझे बहुत अच्छा लगा और स्टेप्स भी क्लियर दिख रहे थे, लेकिन आपके एक्सप्रेशंस मुझे बिल्कुल भी ऐसे लग रहा था एक ही एक्सप्रेशन लेके आप फुल डांस कर रहे थे, और इसमें मेरे ख्याल से थोड़ा और आप एक्सप्रेसिव हो सकते हो, और मूवमेंट्स थोड़े से मुझे ऐसे लगे कि रिस्ट्रिक्टेड है आपके बहुत। डांस तो बहुत अच्छा था, क्लियर था, लेकिन कुछ ऐसे मूवमेंट्स की वजह से आपके हैंड और लेग वो थोड़े से मुझे क्लियर नहीं थे, पैर नहीं दिख रहा था, शायद इसलिए हो सकता है। और आप कथक कर रहे थे तो बीच में आपके पैर नहीं दिख रहे थे, तो स्टेप क्या है वो समझ में नहीं आया था। और एक्सप्रेशन में थोड़ा काम कीजिए, क्योंकि डांस है तो थोड़ा एक्सप्रेशन तो होना चाहिए। बाकी तो आपका डांस इन ऑल बहुत अच्छा था। साइली, अ वेरी ग्रेसफुल परफॉर्मेंस बाय यू, आई रियली लाइक्ड इट एंड इट वाज मच बेटर देन योर राउंड वन परफॉर्मेंस। लाइक आई वाज पर्सनली वेरी डिसअपॉइंटेड बाय इट, यू नो दैट, बट दिस वन वाज वन नॉच अप अबव दैट। लाइक आपके स्टेप्स, आपकी स्माइल, आपके एक्सप्रेशंस वर लाइक टोटल स्पॉट ऑन। आई रियली लाइक्ड इट अ लॉट। यू आर कॉन्स्टेंटली स्माइलिंग एंड दैट सॉन्ग इज लाइक एक्सप्रेसिंग अ लॉट ऑफ इमोशंस विच यू वर एबल टू एक्सप्रेस। माई ओनली इश्यू इज लाइक द हुक स्टेप, ये वाला जो स्टेप था वो बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है। लाइक एवरी टाइम देयर इज अ हुक स्टेप यू हैव डन दिस वन, देयर कुड हैव बीन चेंजेस। लाइक आई नो यू हैव अ लॉट ऑफ स्टेप्स इन योर आर्सेनल, यू कैन यूज इट, बट यू डिड द सेम थिंग फॉर आई थिंक दोनों बार, फॉर एट टाइम्स यू डिड दिस थिंग, एट एंड एट, दैट कुड हैव बीन लाइक अवॉइडेड अ माइनर चेंज, बिकॉज बाकी पूरे गाने में यू हैव डन अ लॉट ऑफ इंट्रिकेट स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स विच वर वेरी गुड। सेकेंडली देर वॉज अ पार्ट इन द म्यूजिक वेर यू डू द कथक वाला पार्ट, इन दैट आई थिंक यू केम अ लिटल वे अहेड, लाइक यू आर वेरी नियर टू द कैमरा, सो इन दैट पोर्शन आई विश आई कुड हैव सीन योर लेग्स, बिकॉज उस पार्ट में लेग मूवमेंट अगर क्लियरली दिखती है तो इट वुड हैव बीन वेरी गुड, बट आपके पैर दिखे नहीं, कट गए थे नीचे से। सो हैड यू बीन अ लिटल बिहाइंड, अ लिटल अवे फ्रॉम द कैमरा, it would have been much better, but yes, it was quite good compared to your last performance. I really like it and I hope you perform more better in the upcoming episodes if you are there. To judges, aap kya marks denge Saili ko? Saili, main aapko 10 mein se 7 deti hu. So Saili, for this performance of yours I give you an 8. Saili, is mastani ke dance ke deewano se abhi vote appeal kijiye. आई होप एवरी वन इज सेफ एंड हेल्दी एट योर होम। अगर आपको मेरा ये डांस पसंद आया हो तो मुझे वोट कीजिए। मुझे वोट करने के लिए आपको इंस्टाग्राम की कॉन्कॉक्शन एंटरटेनमेंट इस पेज पे जाके मेरी वीडियो को लाइक करना है। थैंक यू। आता अपना समोर सादर कर देता हो खास लावणी, प्लीज वेलकम श्वेता। भूला गला, भूला गला, भूला गला।
पोरगी जेव्हा स्टेजवर येते ना आग लावून टाकते. जजेस आपल्याला काय वाटतं? श्वेता, बॅक टू युअर स्ट्रेंथ, बॅक टू व्हॉट यू आर डुईंग, बॅक टू व्हॉट यू आर गुड ॲट डुईंग. लावणी, इट वॉज अ व्हेरी गुड परफॉर्मन्स. Your steps, your expressions were on par. A little basic steps compared to your audition Lavani. Like your audition Lavani had steps which were different, quite different. And like you had a little hip movement in it. You had not, like this was a little basic steps wise. Not a major complaint, but yes. Since we have seen what you can do in Lavani. Secondly, the camera, which was like, whoever was holding the camera, he was zooming in and out of the performance, which can be a good thing, but is bar aapke haath jo aap movements kar rahe the wo cut rahe the, like when he was zooming out or zooming in, aapka haath ka performance, aapka haath ka jo mudra hoti hai wo cut rahe the. I will not use score this for this fault of yours, because it is not your fault, but I am telling you, who is handling the camera, उनको बस इतना बोलिए कि एक पोजीशन में उसको रखिए रादर देन जूमिंग. अदर देन दिस, यू डिड अ वेरी गुड जॉब, अ कमेंडेबल जॉब. होपिंग टू सी मच मोर ऑफ यू इन द कमिंग राउंड्स. श्वेता, आपका अटायर मुझे बहुत अच्छा लगा. डांस ओके था, लावणी आपने पहले भी किया है, और लेकिन मुझे आपके हैंड मूवमेंट्स वगैरह मुझे उतना ऐसा लगता है कि बहुत ही ढीला छोड़ा है आपने. वो जो डांस में जो हैंड मूवमेंट्स चाहिए वो नहीं दिख रहा है मुझे. लावणी में भी हमने देखा है कि हैंड मूवमेंट्स बहुत ही वो डांस के हिसाब से दिखना चाहिए. वो आपका ऐसे थोड़े कभी खुले रहते हैं, उस पर आप थोड़ा वर्क कीजिए. बिकॉज वो जब डांस कर देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि क्या चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है डांस में. लेकिन आप लावणी आपका फोर्टे है, आप बहुत अच्छे से कर लेते हो. लेकिन उसमें अगर थोड़ा ग्रेस लाना है तो आपके हैंड मूवमेंट्स और एक्सप्रेशंस में भी काम कीजिए. बिकॉज स्माइल तो आप करते हो, उससे डांस तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब एक्सप्रेशंस लावणी में आता है तो उसमें तड़का लग जाता है. तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम वो ट्राई ज़रूर करना. तो जजेस क्या मार्क्स देंगे आप श्वेता को? फॉर दिस परफॉर्मेंस ऑफ योर श्वेता, आई गिव यू एन 8. श्वेता, मैं आपको 10 में से 6 देती हूँ. श्वेता, आपकी अदाओं को बरकरार रखने के लिए वोट अपील कीजिए. हेलो एवरीवन, तो कैसे लगी मेरी नागपुर की लावणी? मेरे सेकंड डांस वीडियो के लिए आप इंस्टाग्राम के पेज पे जाके कॉन्कॉर्श एंटरटेनमेंट पर इस डांस वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे ऐसे ही सपोर्ट कीजिए. प्लीज वोट फॉर मी. थैंक यू. नाउ इट्स टाइम टू कॉल अवर धमाकेदार परफॉर्मर. प्लीज वेलकम सिमरन. जैसे बादल हो रहे हैं हम धीरे 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 पागल हो रहे हैं. Nice. आसमां में जैसे बादल हो रहे हैं हम धीरे 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 पागल हो रहे हैं. मैं तो मर जाना है वो ना जो मिलने आए. मैं तो मर जाना है वो ना जो मिलने आए. सांसें मेरी है उनके हाथों में, याद पिया मेरे पिया.
भीगी भीगी रातों में। सिमरन, अब कहाँ से लाते हो इतने अच्छे एक्सप्रेशन, हमें भी सिखा दो यार। क्यों नहीं। तो जजेस, कैसे लगी आपको ये हमारी एक्सप्रेशन क्वीन? सिमरन, आपका डांस मुझे बहुत अच्छा लगा, आप एंजॉय किए अपने डांस, डांस आप एंजॉय करके कर रहे थे, बिंदास कर रहे थे, मस्त लग रहा था बेटा, सब कुछ बहुत बढ़िया था। लेकिन बेटा, आपने जो लेवल क्रिएट किया है जो ऑडिशन राउंड और फर्स्ट राउंड में, उसमें जब आप ये आके करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने आपका लेवल गिरा दिया है। जो लड़की एकदम सुपर्ब डांस करती थी, उसका एकदम लेवल जब नीचे हो जाता है तो थोड़ा मन में दर्द होता है। तो सिमरन, नेक्स्ट टाइम आप ट्राई कीजिए कि आप थोड़ा और अच्छे से और कुछ अलग फॉर्म कीजिए, बिकॉज़ बॉलीवुड हमने ऑलरेडी कर लिया है, हम कुछ अलग देखना चाहेंगे आपका डांस फॉर्म। और ट्राई कीजिए कि आप जो रिपीट करते हैं हर डांस में, जो स्टेप्स रिपीट करते हैं, वो अभी ना करें, क्योंकि ऐसा लगता है कि वही 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 स्टेप्स रिपीट हुआ जा रहा है। तो नेक्स्ट टाइम आप ट्राई कीजिए बेटा कि वो स्टेप्स ना रिपीट करें। सिमरन, आई एम प्लीज्ड बाय योर परफॉर्मेंस, लाइक आई लव्ड इट। द बेस्ट पार्ट जो मुझे आपके इस परफॉर्मेंस की लगी कि आपने सुना कि यू आर लिस्निंग टू वॉट काइंड ऑफ करेक्शंस वी आर ट्राइंग टू गिव यू, बिकॉज इस बार आपके एक्सप्रेशन सटल थे, बहुत ज़्यादा थे विच इज़ फाइन, बट सटल थे, लाइक द क्वान्टिटी वॉज स्टिल द सेम एज द लास्ट परफॉर्मेंसेस, बट योर आई एक्सप्रेशंस एंड दैट सटलिटी वॉज देयर। इट कैन इम्प्रूव अ लिटल मोर, बट या यू हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। आपके डांस स्टेप्स, आपके बेसिक और इंट्रिकेट स्टेप्स दोनों काफ़ी अच्छे थे। योर हिप मूव्ड टुडे, लाइक यू शोड अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट दिस थिंग। द ओनली थिंग, बिकॉज देयर वाज दिस वन स्टेप वेयर यू हेल्ड योर चोटी अगेन, दैट वाज, दैट डिडंट सीम वेरी क्लियर, इट शुड हैव बीन वेरी क्लियर, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट वॉज क्वाइट गुड। आपका फ्लोर वर्क, लाइक आई एम अ फैन ऑफ योर फ्लोर वर्क, your flexibility, like the way you flex your body is very good, and I hope that you continue with the improvements. Aapke jo improvements hai wo aise hi badhte jaye, because you can be a dark horse in this competition. Like, people don't underestimate this girl, she can like kill you. तो जजेस, आप क्या मार्क्स देंगे सिमरन को? सिमरन, मैं आपको 10 में से 7 देती हूँ। फॉर सिमरन, आपका स्कोर इस परफॉर्मेंस के लिए है 9। आपके दमदार डांस में और दम लाने के लिए वोट अपील कीजिए सिमरन। एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंसेस के बाद, रुको जरा, सबर करो। हमने कहा था ना इस राउंड में सरप्राइज भी होंगे, तो इसी सरप्राइज को सबके सामने पेश करने का समय आ चुका है। वाइल्ड कार्ड एंट्री, जी हाँ, सही सुना आपने। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स कॉल आवर वाइल्ड कार्ड एंट्री, मैबिल। காளி தொடங்கி அங்கிருந்தே பழிவாழ பத்ர வட்டக்கம்
सबसे पहले कीप ऑन डांसिंग में आपका स्वागत है मेबल। और क्या बात है, आपको इस शो में आने का मौका मिला और आपने आते ही मौके पे चौका मार दिया। मौके का पूर्ण इस्तेमाल करना कोई इनसे सीखे, सीखे इनसे सीखे, क्या कहते हैं जजेस साहब? सो मेबल, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू केओडी। आई होप यू हैव अ ग्रेट जर्नी विद अस। एंड सिंस यू बीइंग द वाइल्ड कार्ड, इट इज़ नॉट गोना बी ईजी फॉर यू। लाइक मेरे पास 10 शेर ऑलरेडी है एंड दे आर गुड एट इट एंड द ऑडियंस हैव सीन देम, दे हैव सीन द स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। यू आर न्यू टू देम एंड यू नीड टू ब्रिंग अस योर ए गेम। लाइक वी कैनॉट बी लाइक लीनियंट विथ यू, वी हैव टू बी स्ट्रिक्ट विथ यू। The problem here is you have not given us a lot of space to be strict because your steps were on par this time. And like I think just because you are a wild card, you brought too much in your plate. Like you showed us 4 different dance styles in one performance within that time slot. It is a commendable job. I liked it a lot. Coming to your performances, you started with Taal, like I have said this earlier as well. It's a very iconic song with a lot of dance steps. You can go the classical way, you can go the Western way. And you opted the classical way, the semi-classical if I may add. Aur kafi acha performance tha starting mein, it was a good start. And this start went to another level, it went more stronger when you started with the Malayalam song. Ah, the steps, the crispness of each step, like it was very clear you are in your comfort zone, it's your forte, you are a trained classical dancer. And it was very, very good. Aapke steps, aapki mudras were very clear. The third performance was a letdown for me. When you started with Zingat, was a little letdown because you were tired, it seems. Some of your steps were not complete. Your transition from the Malayalam song to Zingat was not clear. And then when you started the Gidda with the 4th Punjabi song, it was again, it went a level higher. So overall it was good. And coming to a major part where you can improve is your expressions. Like you did 4 different dance forms, 4 on 4 different songs. A little bit of your expressions were needed. You tried some expressions in the Marathi song, but itna khul ke nahi aaya. And let me tell you, we have some good dancers on Marathi songs with perfect expressions as well. So yes, again I welcome you. It's going to be a good journey with you. And I hope to see more of you. Mabel, aapka dance mujhe bahut achha laga beta. Aapne different forms dikhaye. और आपका कथक, आपका भरतनाट्यम, आपका बॉलीवुड, आपका गिद्दा, बहुत सब एकदम डिफरेंट फॉर्म्स दिखाया। और आप एक वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर आए हो, तो मुझे लगता है लोगों के लिए बहुत बड़ा कंपटीशन है ये। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि ऑलरेडी हमारा कंपटीशन का लेवल बहुत हाई हो चुका है, तो आप ट्राई कीजिए नेक्स्ट राउंड में कि आप और आपकी वैरायटी दिखे हम लोगों को, कि आपने एक लेवल सेट कर लिया है सेकंड राउंड पे और मैं चाहती हूँ कि थर्ड राउंड पे वो लेवल आप मेंटेन करें। वेलकम टू आवर राउंड। जजेस, आप क्या मार्क्स देंगे मेबल को? मेबल, फॉर योर परफॉर्मेंस आई गिव यू एन 8। मेबल, मैं आपको 10 में से 8 देती हूँ। जिस धमाके के साथ आपने शो में एंट्री ली है, उसी धमाकेदार परफॉर्मेंस को बरकरार रखने के लिए वोट अपील कीजिए। Hello everyone, my name is Mabel Manoj. If you enjoyed my dance, please go to Concussion Entertainment Instagram page and like my video to vote for me. Thank you. ये तो हो गए हमारे performances, judges के marks और उनके comments. अब elimination का announcement करने से पहले हम आपको बता दें कि round 3 इस round से थोड़ा हटके होने वाला है, क्योंकि ये राउंड में जजेस कंटेस्टेंट्स को एक डांस फॉर्म देंगे और कंटेस्टेंट्स को वही डांस फॉर्म में नेक्स्ट राउंड में परफॉर्म करना है। सो नाउ ओवर टू यू जजेस। एबिन, वी हैव सीन द राउडी एबिन इन हिज टॉलीवुड, वी हैव सीन द कूल एबिन इन हिज लिरिकल,
Now it's up to you how you want to perform our round. You can go the calm way, you can go the rowdy way. Because if you make it to the next round, Evin, the performance we have chosen for you is Bharatnatyam. Sakshi, aapne hame Bollywood dance dikhaya hai aur aapne aapka garba bhi dikhaya hai. To is baar hum judges chahte hai ki aapko hum ye dance form dete hai jisme thoda masti ho. To wo hai Tollywood. So Miss Anmol, our queen of expressions, if you make it to the next round, we have a new dance form for you. Enough expressing with your eyes, with your face. It's now time to express with your legs. Anmol, it is tap dance for you. Shweta, आपका हमने लावनी देखा है, Bollywood देखा है, और लावनी तो आप बहुत अच्छे से कर ही लेते हो. तो हमने सोचा है कि थर्ड राउंड में हम आपको गिद्दा डांस फॉर्म देते हैं. सो देवयानी, वी हैव सीन क्लासिकल, वी हैव सीन फोक डांस, वी हैव सीन एक्सप्रेशंस, वी हैव सीन एवरीथिंग. सो लेट्स टेक इट अ नॉच अहेड. इफ यू मेक इट टू द नेक्स्ट राउंड, द डांस फॉर्म वी हैव चूजन फॉर यू इज डिस्को. सो फॉर द नेक्स्ट राउंड आपको हमारे लिए परफॉर्म करना है एक डिस्को नंबर पे. सो ऑल द बेस्ट. मेबल, आपने आते ही हमको तीन फॉर्म्स दिखा दिए हैं डांस के, एक ही राउंड में तीन फॉर्म्स, जो कि सब लोग ने एक एक फॉर्म दिखाया है हम लोगों को. तो इट वाज वेरी बिट डिफ़िकल्ट आपके लिए एक डांस चूज करना, डांस फॉर्म. तो हमने चूज़ किया आपके लिए हिप हॉप. सो एल्सा एंड एग्नेस, द ओनली डीओ वी हैव फॉर यू, वी हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ डांस फॉर्म. Elsa and Agnes, if you make it to the next round, you're going to do a fusion. Let me explain. So in fusion, one of you will do an Indian classical dance form or folk dance, and the other will do Western. So at the same time, the same song, one will do Indian, the other will do Western. So all the best, Elsa and Agnes. You have fusion dance. साइली, हमने आपका क्लासिकल देखा है, बॉलीवुड देखा है, तो हम नेक्स्ट राउंड में चाहते हैं कि आपका हम कंटेम्प्रेरी देखें. सो जॉर्डन, लाइक वी हैव सीन अ लॉट ऑफ योर परफॉर्मेंसेस एंड मोस्ट ऑफ देम आर इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न डांस फॉर्म्स. सो हम हमारे देश वापस आते हैं और आपके लिए, अगर आप अगले राउंड में प्रवेश करते हैं, सो आपका डांस फॉर्म है कथक. सो जॉर्डन, इट इज कथक फॉर यू. सिमरन, आपने हमें शिव तांडव दिखाया, बॉलीवुड दिखाया, हम चाहते हैं कि आप थर्ड राउंड में हमको लिरिकल दिखाए. सो मिताली, वी हैव सीन योर वेस्टर्न, वी हैव सीन योर सेमी क्लासिकल, लेट्स गो टुवर्ड्स फोक दिस टाइम. वी हैव अ फोक डांस फॉर यू. And if you make it to the next round, you have to perform Launi. हमारे अगले राउंड में कौन अपनी जगह बना पाया है और कौन नहीं, ये आपको अगले राउंड के स्टार्टिंग में बताया जाएगा. So guys, तैयार रहिए आने वाले और ज्यादा धमाकेदार and exciting episodes के लिए. और अपने favorite contestant को वोट करना बिल्कुल मत भूलिएगा. और वोट करने के लिए आपको जाना है हमारे इंस्टाग्राम हैंडल कंकॉक्शन एंटरटेनमेंट में और अपने फेवरेट कंटेस्टेंट के डांस वीडियो को 28 सितंबर 2020 के पहले लाइक करना है. और एक ज़रूरी बात, आपको कंकॉक्शन एंटरटेनमेंट को जाके इंस्टा और एफबी पे फॉलो करना है. हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो जाइए जाइए ज़रूर वोट कीजिए अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को ताकि वो जीत सके. सो गाइज, एज ऑलवेज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. और हाँ, हमारे सूत्रों से पता चला है कि आप में से ही 64% लोग हमारे वीडियो को इंजॉय करते हैं, पर ना लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं. ये बहुत गलत है. यूट्यूब पे जाइए, कॉन्कॉक्शन एंटरटेनमेंट सर्च कीजिए, वीडियो को इंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. सी यू ऑल इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, पीस आउट.